पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देश की एक परीक्षा यूपीएससी, सबसे कठिन परीक्षा, और इसमें पास करने वाले देश के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन सोचिए, इस परीक्षा को पास करके आईएएस की नौकरी मिलने के बाद आपके नखरों ने आपकी सारी पोल खोल दिया। नखरे इस कदर से कि आपकी हकीकत ही अब सामने आ गई, हर कोई हैरान, और यूपीएससी जैसी संस्था पर उठने लगे सवाल। पूजा खांडेकर, यह नाम आज के वक्त हर किसी के जुबान पे है। जुबान पे तो उनके ज्यादा है जो परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, खास तौर पर यूपीएससी जैसे परीक्षाओं की। लेकिन अब यूपीएससी में गड़बड़ी करके पूजा ने जिस तरीके से इस परीक्षा को पास किया और आईएएस बनी, उस पर सवाल उठ रहा है। जिस बीमारी का उन्होंने जिक्र किया, जिस जाति से उन्होंने जिक्र किया, और उसके बाद ठीक उसके बिल्कुल विपरीत स्थिति निकल के सामने आ रही है। अब तो पूजा खांडेकर की मां का वीडियो भी सामने आया कि हाथ में तमंचा लिए हुए कुछ किसानों को धमकी दे रही है। अब सोशल मीडिया पर पूजा का पूरा जन्म कुंडली जो है वो वायरल हो रहा है। कोई पूजा खांडेकर के साथ उनके मॉक इंटरव्यू का कुछ वीडियो कोई डाल रहा है, तो कोई उनकी तस्वीर उनके घर के अंदर कैद कर रहा है, जहां पूजा उलझ रही है, कह रही कि मेरी तस्वीर कोई नहीं ले सकता है, मैं किसी को कोई बयान नहीं दूंगी, मेरा पूरा स्टेटमेंट, मेरा जो पूरी सफाई है वो हम यूपीएससी के सामने या फिर जो जांच एजेंसी है उसके सामने कोई भी बयान देंगे, हमें सरकार की तरफ से मना किया गया है। अब दरअसल पूजा खांडेकर का पूरा मामला क्या है, ट्रेनी आईएएस अधिकारी है, महाराष्ट्र की है और महाराष्ट्र में ही पोस्टिंग मिल गई। इसी बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि होम डिस्ट्रिक्ट इनको कैसे मिला, होम कैडर कैसे मिला। सवाल यह भी है कि इनका जो रैंक है वो काफी ज्यादा था, फिर उनको होम कैडर और ट्रेनी आईएएस के तौर पर इनको जो जिम्मेवारी दी गई थी, उस जिम्मेवारी से इतर ये डिमांड इतना ज्यादा करने लगी थी, उस पर सवाल उठने लगा। जो इनको अभी ट्रेनिंग के दौरान नहीं दिया जा सकता, वही वो ट्रेनिंग के दौरान तमाम चीजें मांग रही थी। अब ट्रेनी है तो इनका काम असिस्टेंट, मतलब सहायक के तहत, लेकिन ये सहायक नहीं बल्कि खुद अपने आप को एक आईएएस के रुतबा के हिसाब से देखने लगी थी। अब जांच हुआ तो इनके पिता, इनके दादा, सबका बायोग्राफी सामने आने लगा। पता चला कि पूजा खांडेकर का पूरा परिवार ही काफी रसूख वाला है। जिस ओबीसी क्रीमी लेयर की बातें कर रही है उस लेयर से ये काफी आगे निकल गई है, उतना संपन्न है कि उनको इसका लाभ नहीं दिया जा सकता है। जिस कैटेगरी से इनका चयन हुआ है, जिस कैटेगरी से ये अपने आप को लाभान्वित की है, उस कैटेगरी के लायक ये है ही नहीं, क्योंकि यूपीएससी को इन्होंने गुमराह किया है। जिस बीमारी को इन्होंने बताया उसके मेडिकल जांच पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इनके यूपीएससी में शामिल होने से लेकर यूपीएससी की परीक्षा पास करके नौकरी करने तक का बचा हुआ। फिलहाल तो इनकी ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन अब भी अभी वादों में है और सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें की जा रही और कहा जा रहा है कि इनकी नौकरी भी जा सकती है। खैर, इसी बीच उनकी माँ का एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें वो हाथ में तमंचा लेकर किसानों के बीच धमकाते हुए, डराते हुए दिखाई पड़ रही है। अब सुर्खियों में ये वीडियो है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।